भी दोस्तों की हाल चाल है। तो आज वाली वीडियो फिर हम लोग हिंदी में बना रहे हैं, क्योंकि जिनकी एक गाड़ी है और जिस गाड़ी ऐसी गाड़ी को जिन लोगों को शौकीन है तो वो हिंदी ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि पंजाबी लोग ऐसी कस्टमाइजेशन बहुत कम करवाते हैं। और सबसे पहले मैं मिलाना चाहता हूँ सर से। सर क्या हाल चाल है? बढ़िया हो। तो वैसे सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि नाहर मॉडिफाइड जीप के नाम का पहले चैनल था और सारा शॉप का नाम था, उन्होंने चेंज कर दिया उसको जीप डॉक्टर के नाम। मंडी डब वाली में है ये, तो स्पेशली ये रेंगुलर टाइप की जो कस्टमाइजेशन है वो करते हैं। तो फिलहाल आज भी जो है ना एक रेंगुलर तैयार किया जो कि यूके का मॉडल है। मैं पहली ये एक रेंगुलर है जो सर ने इंडिया में कन्वर्ट किया। ये फर्स्ट गाड़ी है जो यूके का मॉडल था, ये हमने इंडिया में फर्स्ट ऑफ लॉन्च किया है। ये पहला गाड़ी है उनका जो जैसे वैसा दिखने वाला गाड़ी जो इंडिया में फर्स्ट लॉन्च हुआ है, फर्स्ट किया है सर ने। तो वैसे इसकी जो गाड़ी की कॉस्ट है मैं बता देता हूँ, जो इसकी एक्चुअली प्राइस है रेंगलोर में, जब आती है जीप रेंगलोर में, जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो 80 लाख के आसपास है, जो सर ने बताया था मेरे को 80 लाख समथिंग के आसपास है। तो सर ने इसको कितने में बना के सेल आउट किया है वो हम लोग आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा कि जिस गाड़ी में सर ने क्या क्या किया है, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं, सारी डिटेल आपको देंगे। और सर को आप इनके इनके इंस्टाग्राम और इनके फेसबुक और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे चला रहा हूँ। बाकी किसी के भाई कोई भी इंक्वायरीज हो तो आप सर को फोन कर सकते हैं, नीचे नंबर भी चल रहा है। क्योंकि सर ऑर्डर के ऊपर ऐसी चीजें तैयार करते हैं। सबसे पहले एक इन्होंने ग्रीन कलर की रेंगुलर तैयार की थी जो कि हमारी मैगजीन्स में भी गई थी। उसके बाद सर का एक जोंगा था जो कि येलो वाला, येलो था मास्टर कलर में। बहुत स्पेशल स्पेशल टाइप की कस्टमाइजेशन सर करते हैं, स्पेशली रेंगुलर को डील करते हैं। तो आओ आपको बताते हैं और साथ में देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रॉपर सारी सर ने अभी रेडी कर दिया है। तो सर ये किस गाड़ी पे की है और क्या सिस्टम है? ये सर जी महिंद्रा थार सीआईडी पे हमने इसको कन्वर्ट किया है रेंगलर जैसे। ये 2014 का मॉडल है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले तो इसको आपको आप लोगों को फ्रंट लुक देते हैं, इसकी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट लुक है सारी की सारी प्रॉपर। आप देख सकते हैं सर ने इसका जो बोनट है वो भी रेंगुलर का ही जो इसमें आता है वो बनाया है। सर ये सारी वैसे मेटल में बनाई है किसमें? ये मेटल में ही है, ये सब कुछ मेटल में लगा हुआ है। ये देखने वाले को ऐसे लगता है कि ये रबड़ में प्लास्टिक में है, बट ये मेटल में ही है सब कुछ भाई। ये देख सकते हैं मेटल की है, तो डिट्टो सर ने कॉपी किया है इसको, डिट्टो कॉपी करके ये बनाया है। तो एक्चुअली जो इसके मेजरमेंट है वो भी है, जो इसके बंपर्स आप देख सकते हैं भी मेटल में है। सब मेटल का सर। इसके आपने ऊपर क्या किया है? ये सर जी रबड़ कंपाउंडिंग किया हुआ है इसके ऊपर, रबड़ की कंपाउंडिंग की हुई है। बाकी आप देख सकते हैं ग्रिल जो है वो भी इनमें सर, ये आपने ग्लॉसी पेंट किया है इसके साथ। हां जी, ये मेटालिक ग्लॉसी पेंट किया है इसको, आप देख सकते हैं शाइनी पेंट है। एलईडी लाइट सर ने इसमें लगाई है और इसकी आप लुक देख सकते हैं साइड से भी कितनी जबरदस्त है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसके सर ने प्रॉपर जो है वो वगैरह वो सब रेंगलर का ही एक्सेसरी यूज किया हमने। तो इसके फेंडर्स भी आप देख सकते हैं, ये भी मेटल के सर ने बनाए हैं प्रॉपर। तो सर इसमें आपने अलॉय की प्रोफाइल क्या डाली है? ये 16 इंच का लॉय और ये क्रोम में है, कस्टमर की डिमांड पे। जैसा कस्टमर ने बोला कि मुझे क्रोम में चाहिए तो सेम वैसे ही हमने जेके टायर के साथ इसको 16 इंच लॉय के साथ हमने इनको प्रोवाइड किया है। ये आप देख सकते हैं इसको क्रोम अलॉय आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ ग्रिप है, रोड के ऊपर बहुत जम के चलता है ये गाड़ी। ये आप साइड से भी इसको देख सकते हैं आप सारी की सारी। पीछे से भी आपको इसकी लुक दिखा देता हूं, पहले आप देख लो पीछे से भी कितनी जबरदस्त है। ये लुक लाइक सिम थोड़ी सी थार है, लेकिन ये थार नहीं है भाई। तो इसका एक स्पेशली मॉडल है, मैंने नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो सर आपने और इसमें क्या क्या किया है? सर इसमें पहले तो देखो पीछे भी हमने जो है पीछे 4 एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं हम, आप देख सकते हो जो वर्किंग में है, चारों को चारों वर्किंग में है। जी जी जी। तो आप भाई एक चीज़ और आप लोगों को बता दें हम लोग कि सर ने इसमें 360 कैमराज भी लगाए हैं, प्रॉपर 360 कैमराज, सारे एंगल से गाड़ी दिखेगी। और जो इसका मतलब जो चारों एंगल से अगर आपने साइड इंडिकेटर दिया तो इस साइड दिखाएगा, अगर उस साइड का आपने टर्न किया तो उस साइड का आपको सब इसका व्यू दिखाएगा, मतलब गाड़ी के अंदर। आप साइड से इसकी देख सकते हैं गाड़ी की लुक कितनी जबरदस्त लुक है, इसका कलर कितना अच्छा है ब्लू कलर में इसको सर ने तैयार किया है। और इसके जो शीशे वगैरह हैं आप देख सकते हैं वो भी रेंगुलर के यूज किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इसकी गुलाई वगैरह भी सर ने प्रॉपर की है, तो जैसे कि इसकी होती है। हाँ जी, और मैं बताना चाहूंगा जो हैंजेस है वो भी रेंगुलर की तरह लगाया, आप इसको इसके अंदर से स्विच निकाल के इसका हैंजेस जो डोर है वो निकाल के भी रख सकते हैं, मतलब साइड में रख सकते हैं। क्या बात है, साइड में रख सकते हैं। ये हैंजेस इसके हमने वैसे ही रेंगुलर की तरह की है जो हम लोग के बाहर निकल जाते हैं। मैं पहले थोड़ा वुडमो वेबसाइट के बारे में दसना चाहूंगा, जी की बड़ी वाली वेबसाइट है, लाइक उन्हें काफी वीडी कैटलॉग है जिथे की तुम छोटी गड्डी तो लग के लग्जरी गड्डी तक स्पेयर पार्ट आप बाय कर सकते हो। सारों वधिया गल की है कि तुम उन्होंने वैबसाइट या एप्लीकेशन से जाओ तो सर्च करो जो पार्ट थोड़ा चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट
ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੇਕਰਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ 10 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ iOS ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕੇ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਹੈਂਡਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਂਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਲਸ ਲਗਾਏ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੀ ਸ਼ੇਪ ਮੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟ੍ਰੈਪਸ ਇਸਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੁੱਲਤੇ ਹੈ जैसे ही आपने विंडो ओपन किया वो फुट रेस्ट के ओपन हो जाएंगे और जैसे ही बंद किया वो क्लोज हो जाएंगे। भाई ये तो एक नेक्स्ट लेवल आपने लगा दिए वैसे तो आप देख सकते हैं अभी कितना अच्छा है कि लाइक इसके साथ इकट्ठे हो जाए। मैं सोच रहा हूँ अपनी फॉर्चुनर में भी मैं अभी ये इंस्टॉल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इसको सर ने ऐसे ओपन करते हैं हम लोग डोर्स और बड़े इसको जो व्हाइट इंटीरियर सर ने किया सर ये व्हाइट मैप बहुत ही रियर मिलता है व्हाइट इंटीरियर मतलब बहुत गंदा हो जाता बहुत जल्दी बट ये क्या है कि कस्टमर की डिमांड थी बिकॉज वो जो है जो जिनको ये गाड़ी हमने दी है वो थोड़े लीडर है किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उनको व्हाइट इंटीरियर ही हमने करके दिया है। भाई बहुत ही देखने के लिए सुंदर लग रहा है अच्छा लग रहा है कि व्हाइट इंटीरियर जो आप देख सकते हैं इसमें सर ने थार का डैशबोर्ड लगाया है तो उसको भी व्हाइट पेंट और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ दिया है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है सारा ये आप पीछे से देख सकते हैं इसमें सोफे वगैरह भी सर ने व्हाइट लगाए हैं और पीछे प्रॉपर लग्जरी फील इसमें दी है जैसे कि अंदर से तो ये प्रॉपर लग्जरी इसमें पोर्शिंग वगैरह भी सर ने व्हाइट की व्हाइट ही की हुई है। ऑटो विंडोज लगी हैं देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है तो इसका जो आप इधर से देख सकते अभी नीचे से आप देख सकते हैं वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो गए बहुत अच्छे लगे मेरे को तो आप पीछे से आप देख सकते हैं इसका टैंक भी सर ने अंदर टैंक कैप हमने रेंगुलर का लगाया है इसके ऊपर आप ये भी देख सकते हैं कि रेंगुलर का टैंक कैप लगाया और लाइट्स जो है वो भी रेंगुलर की लगी है ओरिजिनल रेंगुलर की लाइट सर ने यूज की है और एक चीज और बताऊंगा कि ये भी सर ने प्रॉपर इसके जैसा वो फोटो में था सेम वैसा ही हमने इसको कस्टमाइज किया है बाकी भाई आप देख सकते हैं सारी के सारी और पीछे सर ने इसके वाइपर भी मशीन भी दी है और साथ में लाइट दिया बैक लाइट की भी जरूरी होती है टायर के साथ और ये पीछे से भी खुल जाती है आप देख सकते हैं सेप्टर सेप्टर सर ने इसका खोलने के लिए रखा है ये ग्लास ऊपर को ओपन हो जाता है आप देख सकते हैं पीछे से भी सारी की सारी खुल जाती है तो अंदर सर ने पाइनियर का म्यूजिक सिस्टम साथ में दिया है सीटें फोल्डिंग वाली मेरे हिसाब से आपने लगाई है तो अगर किसी ने सामान रखना है तो वो भी रख सकता है क्या बात है आप देख सकते हो भाई ये ऐसे भी फोल्ड हो जाती हैं बाद में आप लोगों को दिखा देंगे तो अंदर से भी आप इसकी लुक सारी की सारी चेक कर सकते हैं गाड़ी की प्रॉपर सर ने साइड पे ग्लास होल्डर वगैरह सारा कुछ दिया है तो ये बहुत अच्छा है और इसको सर ने वो मैटिंग वगैरह और साथ में डैम्पिंग वगैरह भी की है सारी की सारी तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बाकी इधर से भी आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं सारे के सारे बहुत जबरदस्त इसकी लुक है तो इसमें मैं बताना चाहूंगा जो सस्पेंशन है रियर वाली वो सिंगल सस्पेंशन है देखो वो क्या बात है हाँ जी आप देख सकते हैं सिंगल पटा जो सस्पेंशन आती है वो सर ने यूज की है जो ऑफरोडिंग में यूज होती है वही सस्पेंशन लगाई हुई है हमने तो सर जो गाड़ी है इसका आपने मैकेनिकल का तो कुछ नहीं छेड़ा है नहीं 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 कुछ नहीं जी जो 2014 का जो थार था सेम वही स्पेसिफिकेशन है कुछ इसमें हमने बस इसमें आपने इसकी शेल चेंज कर दिया शेल चेंज किया इंटीरियर चेंज किया कुछ हमने तो आप इधर से देख सकते हैं सेम इधर भी सर ने सेम हैंडल्स और सर ने साइड कैमरास दिए हैं तो इसको आप अंदर से जब हम खोलते हैं तो इसका ये व्यू आ जाता है साइड वाला इधर भी प्रॉपर ओपन हो जाता है देख सकते हैं आपने साइड पे सर ने इसकी प्रॉपर मैटिंग वगैरह सारा कुछ किया है स्पेशल मैट्स हैं डैम्पिंग वगैरह भी सर ने की है डैम्पिंग मैं बताता रहता हूँ मेरी वीडियोज में कैसी है तो सर ये टू व्हील ड्राइव है नहीं ये फोर व्हील ड्राइव है सर जो ओरिजिनल थार आते हैं फोर व्हील ड्राइव में ही है ये गाड़ी फोर व्हील और ये इसके अंदर जो आप देख रहे हैं सिस्टम वगैरह सोनी का लगा हुआ जीपीएस सिस्टम वगैरह सब कुछ है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं सोनी का सर ने एंड्रॉयड इसमें प्लेयर लगाया हुआ है जैसे पाइनियर्स के स्पीकर लगे हुए थे ये आप देख सकते हैं प्रॉपर फोन वगैरह की फैसिलिटीयां इसमें है और ये आप देख सकते हैं कैमरे के सारे का सारा व्यू भी यहाँ पे आ जाता है सारा सिस्टम है तो ये आप ऊपर से सर इसकी अभी मूनरूफ भी हम लोग खोल के दिखा दें ये आप देख सकते हैं सारी इसकी मूनरूफ वगैरह वर्किंग है तो ये आप देख सकते हैं मूनरूफ है सारा का सारा इतना ही खुलता है जस्ट हाँ जी हाँ जी उनको था कि इतना ही लगाना है हाँ जी चलो क्या बात है तो आप देख सकते हैं अंदर में भी इसके सारे के सारे जो व्हाइट जो सारा किया हुआ है ये और इसके अंदर एसी और हीटर दोनों चीजें हैं इसके अंदर इसमें सर ने ऑटोमेटिक सीट्स लगाई हैं मतलब आगे पीछे जाने वाली जैसे लग्जरी में रहती हैं आप इसको किसी तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं
ये था सारी की सारी गाड़ी और सारा कुछ इंडिकेटर्स वगैरह। सर इसमें इंजन वगैरह फिर वही रहने दिया है? CID 2014 मॉडल का ही है इंजन, है ठीक है। तो दोस्तों आपने सारी की सारी वीडियो देखी तो आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरे को ये गाड़ी जब इन्होंने तैयार की है तो बहुत अच्छी लगी। जब ये तैयार हो रही थी, जब मैंने इनका येलो वाला चौंगा जो है बना रहे तब मैंने शूट किया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि अकेली इस टाइप की नहीं, चौंगा वन टन आप एवरी टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन, फोर डोर रेंगलर होगी, टू डोर रेंगलर होगी, चौंगा निशान वन टन हो गया, रशियन चौंगा हो गया, ये मतलब सब में डील एवरी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन वगैरह सारा कुछ करते हैं, ऑल टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन सर करते हैं। आप उसके रिलेटेड इनको कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहे हैं। अभी सर मेरे व्यूवर्स को ये जानना होगा कि ये गाड़ी को आपको बनाने को कितना टाइम लगा? इसको मतलब मान के चलो आप 3 से 4 मंथ का टाइम पीरियड लगता है इसका, ठीक है। तो उसमें सर गाड़ी भी आप ही की रहती है? हाँ जी, गाड़ी हमारी रहती है सर। सारी सर इसकी फिर ऐसे खड़ी जैसे प्रॉपर ये गाड़ी रेडी है तो उसकी क्या कॉस्ट है, आप कितने में सेल आउट कर रहे हैं? इसका मतलब 12 लाख से स्टार्टिंग हो जाता है प्राइस, बाकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या उनको चाहिए फीचर्स। मतलब ये गाड़ी आप आइडिया दे सकते हो कि 12 लाख के आसपास तैयार हुई है? भाई 12 लाख के आसपास ये गाड़ी तैयार हुई है, वही बात आ जाती है कि जैसी जैसी आप इसमें कम्फर्ट लेवल के लिए फैसिलिटीज बढ़ाते जाओगे कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक सीट्स लगी हैं, सनरूफ की जगह मून रूफ लग, कुछ भी आप करवा सकते हो भाई। तो बाकी सस्पेंशन वगैरह भी सर अगर चेंज करवाना चाहिए तो करवा सकते हो, एवरी टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन आप करवा सकते हो। तो बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। तो सर अगर किसी को आपने कॉन्टेक्ट कर, किसी ने लाइक आपको किसी को ऑर्डर प्लेस करना है तो आपका क्या सिस्टम रहता है, लाइक एडवांस पेमेंट होती है या क्या सिस्टम होता है? सर इसमें हम ऐसे करते हैं कि हाफ पेमेंट हम एडवांस लेते हैं और जो बाकी पेमेंट रह जाती है वो डिलीवरी टाइम हम लेते हैं उनसे। ओके ठीक है, तो ये भी सर ने आपको क्लियर कर दिया। तो बाकी सर का इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे नए नए अपडेट्स चलते रहते हैं, अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अब वहाँ पे इनको फॉलो भी कर सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर उसका नाम वगैरह मैं चाहता हूँ बता दो। हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है जीप डॉक्टर्स और मेरी वेबसाइट है www.jeepdoctors.com और मेरा इंस्टाग्राम भी जीप डॉक्टर्स के नाम से है और फेसबुक भी इसी नाम से है। तो सर अपना फोन नंबर भी बोल के बता दो, तो आप कितने से कितने अवेलेबल हैं वो भी बता दो। ये जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है वैसे हमारा नीचे चल रहा है 9355477301, दूसरा कॉन्टेक्ट है वो 9466877474 है। आप हमें क्वारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मिलके भी डील कर सकते हैं। जो हमारा लोकेशन है वो मंडी डब वाली डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, या हमें कॉल पे आप हमसे इंक्वायरीज ले सकते हैं। बाकी इस नंबर से व्हाट्सएप वगैरह भी सब कुछ चलता है, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं कोई भी आपकी इंक्वायरी हो। सर बहुत बढ़िया लगा आपका नया प्रोजेक्ट भी, मेरे को खुद को बहुत पसंद आया। तो बाकी आपके कोई भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो सर को कॉल कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अच्छा लगा तो भाई इसको शेयर और लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को फॉलो कर लेना ऐसे नए अपडेट्स के लिए। और मैंने एक नया चैनल शुरू किया दयाकरण डेली, यहाँ पे मैं डेली रूटीन अपना डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन और वीडियो रिलेटेड आया तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और नई ऐसी वीडियोस लेके। बाय बाय, टेक केयर।